इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 8 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा साथ ही इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पी वीकली पी और मंथली पी चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट मॉमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए क्योंकि जो भी हमारा पी मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटिक भी प्रोवाइड कराते हैं ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा हमारे पी डी एफ कोर्स संबंध यदि आपका कोई भी डाउट है कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सी एस आई आर पूछ रहे हैं कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सी एस आई आर की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है ऑप्शन आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है नलाथम्बी कलाई सेल्वी देखिए नलाथम्बी कलाई सेल्वी ये इलेक्ट्रोकेमिकल साइंटिस्ट हैं और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सी एस आई आर इसकी पहली महिला महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल बन गई हैं आप सभी जानते हैं सी एस आई आर के तहत थर्टी एट थर्टी एट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स आते हैं और इनकी जो अपॉइंटमेंट की गई है ये दो साल के लिए की गई है ये शेखर मांडे को सक्सीड करेंगी जो कि रिटायर हो चुके हैं अप्रैल में लेकिन इनके रिटायरमेंट के बाद अप्रैल के रिटायरमेंट के बाद जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में सेक्रेटरी हैं राजेश गोखले इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया था सी एस आई आर का बाकी आपको जानना चाहिए कि जो कलाई सेलवी है ये लीथियम आयन बैटरीज के क्षेत्र में कार्य के लिए जाने जाती हैं और फिलहाल ये सी एस आई आर सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कराईकुड़ी तमिलनाडु की डायरेक्टर हैं सी एस आई आर की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसको सितंबर 1942 में इस्टेब्लिश किया गया था और सी एस आई आर के द्वारा एक काफ़ी फेमस अवार्ड भी दिया जाता है प्राइस भी दिया जाता है जिसका नाम है शांति स्वरूप भटनागर प्राइस तो इसको सी एस आई आर द्वारा उन्नीस सौ अट्ठावन में इस्टेब्लिश किया गया था और जो फाउंडर डायरेक्टर रहे हैं सी एस आई आर के शांति स्वरूप भटनागर इन्हीं के नाम पर ये प्राइज़ रखा गया है विच वीक इज़ हेल्ड एवरी ईयर फ्रॉम फर्स्ट टू सेवन्थ ऑफ अगस्त प्रत्येक वर्ष एक से सात अगस्त तक कौन सा सप्ताह आयोजित किया जाता है ऑप्शन आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन बी है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक तो देखिए वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक ये एक एनुअल सेलिब्रेशन है जो कि हर साल एक से सात अगस्त के बीच में मनाया जाता है आपको बता दें सबसे पहले वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन के द्वारा उन्नीस में इसको सेलिब्रेट किया गया था 2022 में अगर इसका हम थीम जाने तो यह है स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एजुकेट एंड सपोर्ट इसरो लॉन्च ई ओ एस जीरो टू एंड आज़ादी सेट थ्रू विच लॉन्च वहीकल इसरो ने ई ओ एस टू और आज़ादी सेट को किस प्रशिक्षण प्रक्षेपण यानी के माध्यम से लॉन्च किया ऑप्शन आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन डी है एस एस एल वी डी वन तो देखिए दो न्यूज़ हैं इसमें एक साथ ही जानिएगा सबसे पहले ऐसा हुआ कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने स्पेस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट वन यानी कि एस एस एल वी डी वन इसको आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया अच्छा ये जो रॉकेट है एस एस एल वी डी वन ये थर्टी फोर मीटर टॉल और इसका वेट वन ट्वेंटी टन रहा और ये आज़ादी सेट इस सैटेलाइट को भी कैरी कर रहा था ये जो सैटेलाइट है आज़ादी सेट तो इसको स्पेस किड्स इंडिया इनिशिएटिव के तहत भारत में जो रूरल एरियाज़ हैं यहाँ के 75 गवर्नमेंट स्कूल्स की 750 फिफ्टी गर्ल्स इस्टूडेंट्स द्वारा इसको बनाया गया है आज़ादी सेट को तो इस आज़ादी सेट को भी कैरी कर रहा था ये और साथ ही इससे उम्मीद ये थी कि ये ई ओ और इस आज़ादी सेट को लो अर्थ ऑर्बिट्स में प्लेस कर देगा स्थापित कर देगा लेकिन हुआ ऐसा इसके लॉन्च के कुछ ही देर बाद इसरो ने अनाउंस किया कि ये जो सेटेलाइट्स से हैं ये यूज़ेबल अब नहीं रही हैं क्योंकि जिस ऑर्बिट में इनको जाना था जिस सर्कुलर कक्षा में इनको प्लेस होना था उसके बजाय ये किसी और ऑर्बिट में प्लेस हो गई इसलिए अब ये यूजेबल नहीं है इंडिया लिफ्टेड द एस ए एफ एफ अंडर ट्वेंटी फुटबॉल चैंपियनशिप ट्रॉफी बाई डिफिटिंग विच कंट्री इन द फाइनल एट कलिंगा स्टेडियम इन भुवनेश्वर उड़ीसा भारत ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में फाइनल में किस तेज को हरा कर एस ए एफ एफ अंडर ट्वेंटी फुटबॉल चैम्पियनशिप ट्रॉफी जीती है ऑप्शन आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन डी है बांग्लादेश तो देखिए कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा यहाँ पर एस ई एफ एफ अंडर ट्वेंटी फुटबॉल चैंपियनशिप ट्रॉफी का फाइनल हुआ है भारत ने बांग्लादेश को पाँच दो तो से हरा कर ये कप जीत लिया है आपको जानना चाहिए भारत ने 2019 में भी ये जीता था और इसी तरह भारत ने अब ये अपना सेकंड कंजिक्यूटिव ये चैम्पियनशिप ट्रॉफी जीती है तो दो में जीती उसके बाद फिर अब ये दो में हुई है तो इसमें भी जीत लिया है बाकी आपको जानना चाहिए फोर्थ एडिशन रहा है इस अंडर ट्वेंटी चैंपियनशिप का और इसमें पांच टीमों ने पार्टिसिपेट किया है विच बैंक हैज साइंड एन एमओ यू विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आई एस सी बेंगलोर टू सपोर्ट थ्री विंग्स ऑफ बाग्सी पारसारथी हॉस्पिटल आई एस सी बेंगलोर बाग्सी पारसारथी अस्पताल आई एस सी बेंगलोर के तीन विंग का समर्थन करने के लिए किस बैंक ने भारतीय विज्ञान संस्थान आई एस सी बेंगलोर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ऑप्शन आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन सी है एच डी एफ सी बैंक एच डी एफ सी बैंक परिवर्तन अब ये क्या है एच डी एफ सी बैंक परिवर्तन देखिए एस डी एफ सी बैंक का ये एक सोशल इनिशिएटिव है मतलब सोशल कार्ड जो भी होते हैं एच डी एफ सी बैंक के वो इसी इनिशिएटिव के तहत ये ले रहा है परिवर्तन इसको नाम दिया है इन्होंने तो एच डी एफ सी परिवर्तन ने एम ओ यू साइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के साथ आई एस सी बैंगलोर के साथ आप सभी ने नाम सुना है इसका इसके तहत जो एच डी एफ सी बैंक परिवर्तन है ये जो आईएससी एस सी कैंपस में बागची पाड़ा सारथी हॉस्पिटल है इसके जो तीन विंग्स हैं कार्डियोलॉजी विंग रेडियोलॉजी विंग और इमरजेंसी मेडिसिन विंग इन तीनों को सपोर्ट करेगा तो कैसे सपोर्ट करेगा एक सौ करोड़ रुपये देकर एच बैंक के बारे में आप जानते हैं कि एम डी सी और जगदीशन है हेड क्वार्टर्स मुंबई में है टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड अच्छा हाल ही हमने भी देखा था कि एच डी बैंक ने एन इसके साथ भी पार्टनरशिप की है जिसके तहत ये इंजीनियर्स को ट्रेन करेगा और हायर करेगा और हमने अगर हम बात करें आई आई बेंगलुरु के बारे में तो इसने हाल ही में एविएशन रिसर्च के लिए इंडियन नेवी के साथ भी एक पैक्ट साइन किया है फाइव ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन नेवी क्रिएटेड हिस्ट्री बाय कंप्लीटिंग द फर्स्ट ऑल वुमेन इंडिपेंडेंट मैरी

जानिएगा तो भारतीय जो नेवी है इनकी विमेन ऑफिसर्स ने यहाँ पर इतिहास रच दिया है इन्होंने नॉर्थ अरेबियन सी में डोर्नियर टू टू एट एयरक्राफ्ट की सहायता से इन्होंने जो है यहाँ पर एक ऑल विमेन इंडिपेंडेंट मेरी टाइम एंड सर्विलेंस मिशन पूरा किया है तो एक तरह का निगरानी वाला मिशन रहा ये नॉर्थ अरेबियन सी में और डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट में सवार रही है बाकी आपको जानना चाहिए कि इसमें जो ये फाइव ऑफिसर्स रही ये इंडियन नेवी एयर स्क्वाड्रन थ्री वन फोर की हैं ये सभी और ये जो एयर स्क्वाड्रन है ये गुजरात के पोरबंदर में स्थित है आपको जानना चाहिए कौन कौन रही इसमें तो कैप्टन कौन रही आंचल शर्मा इनके साथ शिवांगी अपूर्वा गीते पूजा पांडा और पूजा शेखावत इनकी टीम में शामिल रही द फैमिली कोर्ट्स अमेंडमेंट बिल passed इन the पार्लियामेंट वैलिडेट्स फैमिली कोर्ट्स इन विच स्टेट्स with रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट संसद में पारित परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक किस राज्य में पूर्वव्यापी प्रभाव से परिवार न्यायालय को मान्यता देता है या इनको मान्य करता है ऑप्शन आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश एंड नागालैंड जानिएगा पार्लियामेंट ने हाल ही में फैमिली कोर्ट्स अमेंडमेंट बिल ट्वेंटी इसको पास कर दिया है पार्लियामेंट ने पास किया है मतलब लोकसभा से भी पास हो गया और राज्यसभा से भी पास हो गया तो ये जो अमेंडमेंट बिल है ये फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 में अमेंडमेंट करता है और इसके तहत हिमाचल प्रदेश में और नागालैंड में फैमिली कोर्ट्स को स्थापित किया जाएगा स्थापित है मतलब उनको मान्यता दी जाएगी देखिए हिमाचल प्रदेश में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से यानी कि पंद्रह फरवरी दो से फैमिली कोर्ट्स को मान्यता दी गई है और नागालैंड में 12 सितंबर 2008 से मान्यता दी गई है रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है किसी पिछली डेट से मतलब अभी तो आप वर्तमान में जी रहे हैं लेकिन किसी कार्य को किसी पिछली डेट से मान्य कर देना अब देखिए जो फैमिली कोर्ट्स हैं हिमाचल प्रदेश में तो 15 फरवरी 2019 के बाद से जो भी इनके फैसले लिए गए जो भी मेंबर रहे उन सब की वैलिड उन सबको वैलिड कर देता है कि हाँ वो फ़ैसले भी सही रहे इसी तरह से नागालैंड में 2008 के बाद से इन फैमिली कोर्ट्स में जो जो भी फैसले लिए गए उनको मान्य कर देता है जैसा ही लिखा है द एक्ट अलाउज़ स्टेट गवर्नमेंट्स टू इस्टैब्लिश फैमिली कोर्ट्स तो अब जो है द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड नागालैंड हैव सेट ऑफ फैमिली कोर्ट्स इन देर स्टेट्स अंडर द एक्ट तो इस एक्ट के तहत हिमाचल प्रदेश और नागालैंड ने पहले से अपनी फैमिली कोर्ट्स बनाई हुई हैं लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनकी इस कोर्ट को जो है मान्यता नहीं दी थी तो अब ये बिल इनको मान्यता दे देता है इंडियन रेसलर रवि दहिया बैक्ट गोल्ड मेडल एट कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 इन विच वेट कैटेगरी भारतीय पहलवान रवि दहिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता सही आंसर ऑप्शन ए है 57 सेवन के जी सत्तावन किलोग्राम देखिए टोक्यो गेम्स सिल्वर मेडलिस्ट हैं रवि कुमार दहियापुत सोनीपत सोनी हरियाणा से आते हैं इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 57 सेवन के जी रेसलिंग जो मैंस फ्री स्टाइल फिफ्टी सेवन के जी रेस्लिंग इवेंट है इसमें बात हो रही है कॉमनवेल्थ गेम्स की तो इन्होंने नाइजीरिया के रेसलर को हराया है एबिको बनीमो वेल्सन इनका नाम है इनको हराया है और गोल्ड मेडल जीता है इसी तरह से और भी इवेंट्स देखेंगे और भारत की रेसलर विनेश फोगाट भिवानी हरियाणा से आती है इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है फिफ्टी थ्री कैटेगरी में तो इन्होंने यहाँ पर नॉर्डिक सिस्टम ग्रुप के तहत तो अपने तीनों मैचेस जीते हैं और अब इन्होंने जो है कॉमनवेल्थ गेम्स तीनों जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं पिछले मतलब पिछले दो और एक ही है इन तीनों ही कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है रेसलर पूजा गहलोत की बात करें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता फिफ्टी के जी कैटेगरी में और मोहित करेवाल इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है वन ट्वेंटी फाइव कैटेगरी में अच्छा भिवानी आप काफ़ी देख रहे हैं यहाँ पर भिवानी आपको भिवानी से कई बॉक्सर और रेसलर मिलेंगे इसलिए भिवानी जो हरियाणा में है इसको मिनी क्यूबा भी कहते हैं क्योंकि यहाँ से लार्ज नंबर ऑफ बॉक्सर्स आते हैं फिलहाल तो यहाँ पर अभी हम रेसलर की बात करें पर यहाँ से बॉक्सर्स भी काफ़ी आते हैं अकेडमी है यहाँ पर बॉक्सर बॉक्सिंग की तो भिवानी को क्या बोलते हैं मिनी क्यूबा ये पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहाँ पर डाला है अपने आप से अच्छा साथ ही इंडियन मैंस फोर्स लोन बॉल टीम्स जो लोन बॉल्स की टीम है चार लोगों की जिनमें सुनील बहादुर रहे नवनीत सिंह है चंदन कुमार सिंह दिनेश कुमार इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है इन्हें नदरन आइलैंड की टीम ने हराया दिया साथ ही जैसमिन लम्बोरिया ये भिवानी हरियाणा से आती हैं फिर से भिवानी आ गया इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है फिफ्टी सेवन के जी टू सिक्सटी के जी लाइट वेट कैटेगरी में अविनाश सावल ये महाराष्ट्र से आते हैं और ये फर्स्ट एवर इंडियन एथलीट बन गए हैं जिन्होंने थ्री थाउजेंड मीटर स्टीफल चेस इवेंट में मेडल जीता है तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है यहाँ पर और गोल्ड किसने जीता केन्या के अब्राहम किबीव ने साथ ही एथलीट हैं प्रियंका गोस्वामी उत्तर प्रदेश से ये फर्स्ट एवर इंडियन बन गई हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है टेन थाउजेंड मीटर रेस वॉक में और इंडियन रेसलर दिव्या काकरान उत्तर प्रदेश से हैं इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और नवीन मलिक हरियाणा से हैं इन्होंने पाकिस्तान के मोहम्मद शारी मोहम्मद शरीफ ताहिर को हराकर गोल्ड मेडल जीता है सेवेंटी फोर के जी इवेंट में इंडियन बॉक्सर हैं निखात जरीन ये तेलंगाना से आती हैं याद रखिएगा महत्वपूर्ण है निखात जरीन का इन्होंने भी फोर्टी एट के जी से फिफ्टी के जी लाइट फ्लाई कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है साथ ही नीतू ये हरियाणा से इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता फिफ्टी फोर्टी फाइव से फोर्टी के जी कैटेगरी में देखिए मैं इसलिए आपको इतना एलोबरेट करके बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके उसमें आएगा ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कॉमनवेल्थ गेम्स में क्वेश्चन आएगा ठीक है कॉमनवेल्थ गेम्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में इसलिए ध्यान से देखते चलिए हर एक चीज़ मैं आपके साथ साथ कवर करते जा रहा हूँ और ऐसा पहली बार हुआ है इतिहास में जब दो इंडियन फीमेल बॉक्सर्स ने गोल्ड मेडल जीते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में इंडिया के एल्डोस पॉल और अब्दुल्ला अबूबक इन्होंने भी दोनों ने मेडल जीते हैं मेंस ट्रिपल जंप में तो एल्डोस पॉल ने तो गोल्ड जीता है और अब्दुल्ला जी ने सिल्वर जीता है साथ ही इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर्स शरद कमल अजंता तमिलनाडु से आते हैं और साथिया गणेश शेखर ये भी तमिलनाडु से आते हैं दोनों ने सिल्वर मेडल जीता है मेंस डबल इवेंट में तो इंग्लैंड की टीम से हार गए है फाइनल में इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा हैज़ ओवरटेकन विच फॉर्मर प्लेयर टू रिकॉर्ड सेकेंड मोस्ट नंबर ऑफ सिक्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने किस पूर्व खिलाड़ी को पीछे छोड़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है ऑप्शन आपके सामने है सही आंसर ऑप्शन बी है शाहिद अफरीदी देखिए भारतीय कप्तान है रोहित शर्मा इन्होंने पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़ दिया है किस मामले में सिक्सेस के मामले में इंटरनेशनल क्रिकेट में सिक्सेस के मामले में तो अब दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा आ गए हैं पहले साइद अफरीदी दूसरे नंबर पर थे तो यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ खेलते हुए उन्होंने जो सिक्स जड़े उसके साथ ही इनके जो टोटल सिक्सेज हो गए फोर सेवेंटी सेवन हो गए चार सौ सतहत्तर हो गए जबकि अफरीदी के चार सौ छिहत्तर है नंबर वन पर कौन है क्रिस गेल ये आप रैंकिंग दे सकते हैं टॉप फाइव की साथ ही आपको जानना चाहिए भारत ने वेस्ट इंडीज़ को यहाँ पर हरा दिया है जो पाँच मैच की टी सीरीज़ थी इसी के साथ भारत ने वेस्ट इंडीज़ को लगातार पाँच टी सीरीज़ भी हरा दी है 106 हंड्रेड सिक्स ईयर ओल्ड एस्ट्रोनोमिकल ऑब्जर्वेटरी इन विच स्टेट हैज़ बिन इंक्लूडेड इन यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट किस राज्य की 106 साल पुरानी खगोलीय वेदशाला को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया ऑप्शंस आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन ए है बिहार जानेगा 106 साल पुरानी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है बिहार में इसको यूनेस्को की लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट इंडेंजर्ड हेरिटेज ऑब्जर्वेटरीज में शामिल किया गया है ये जो ऑब्जर्वेटरी है इसको लंगत सिंह कॉलेज जो कि मुजफ्फरपुर में है यहाँ पर 1916 में स्टैब्लिश किया गया था बाकी लंगत सिंह कॉलेज ये भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है इसकी स्थापना अठारह सौ को की गई थी विज ऑफ द फॉलोइंग हैज हैजॉइंट हैंड्स विद एच एस बी सी इंडिया टू इलेक्ट्रीफाइड सेवेंटी फाइव स्कूल्स इन गुजरात कर्नाटक एंड राजस्थान थ्रू सोलर एनर्जी एंड इम्पार्टिंग क्लाइमेट एजुकेशन निम्नलिखित में से किसने गुजरात कर्नाटक और राजस्थान के 75 स्कूलों को सौर ऊर्जा के माध्यम से और जलवायु शिक्षा प्रदान करने के लिए एच एस बी टी एच एस बी सी इंडिया के साथ हाथ मिलाया है सही आंसर ऑप्शन सी है रिन्यूएबल रिन्यू पावर माफ कीजिएगा देखिए रिन्यू पावर जो कि इंडिया की लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है इसने हाथ मिलाया एच एस बी सी इंडिया के साथ जिसके तहत ये गुजरात कर्नाटक और राजस्थान सेवेंटी फाइव स्कूल्स को इलेक्ट्रीफाई करेगा सोलर एनर्जी के थ्रू साथ ही क्लाइमेट एजुकेशन भी यहाँ पर प्रोवाइड कराएगा एच इंडिया के सी हितेंद्र दावे हैं और इसका है, इंडिया में हेडक्वार्ट मुंबई महाराष्ट्र में है रिन्यू पावर की बात करें तो हेडक्वार्टुगांव हरियाणा में है चेयरमैन एंड सी सुमंत सिन्हा है हाल ही हमने भी देखा रेन्यू पावर से संबंधित कि इसने पार्टनरशिप की है यूएनईपी के साथ और सेवा के साथ ट्रेन 1000 थाउजेंड विमेन साल्टन वर्कर्स इसको एम सी क्यू फॉर्मेट में भी देखा था हमने विच कंपनी हैज़ मैन्युफैक्चर्ड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन कॉल्ड जिनोइ जीनियोस है ना पोटेंशली इफेक्टिव अगेंस्ट मंकी पॉक्स एंड अप्रूव्ड बाय द यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किस कंपनी ने चेचक के टीके का निर्माण किया है जिसे जीनियोस कहा जाता है जो संभावित रूप से मंकी पॉक्स के खिलाफ प्रभावी है और अमेरिकी खाद्य एंड औस्थि प्रशासन द्वारा अनुमोदित है ऑप्शन आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन डी है बेवेरियन नॉर्डिक देखिए ये डेनिश बायोटेक कंपनी है यानी कि डेनमार्क की है बेवेरियन नॉर्डिक तो इसने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन डेवलप की है जिसका नाम है जे वाई एन एन ई या आप कह सकते हैं जीनियस और इसको जो है मंकी पॉक्स के लिए भी इफेक्टिव माना गया है लेबोरेटरीज में इसकी टेस्टिंग की और इसको हाल ही में यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा अप्रूव भी कर दिया गया है, है मंकी पॉक्स के लिए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कैंडिडेट जगदीप धनखड़ बीन इलेक्टेड एज फोर्टींथ वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के उम्मीदवार जगदीप जग, जग, धनखड़ को भारत के चौदवें उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है बाकी इनके बारे में भी डिटेल देखेंगे ये याद रखिएगा आप ये जूनियर मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी रहे हैं उन्नीस सौ नब्बे से नवंबर उन्नीस के बीच में देखिए एनडीए के नॉमिनी है जगदीप धनखड़ ये चौदवें वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं भारत के और इन्होंने जो जॉइंट जो ओपोजिशन कैंडिडेट हैं मार्गरेट अल्वा इनको हरा दिया है तो जो जगदीप जी हैं इन्होंने पाँच सौ वोट सिक्योर किए सेवेंटी परसेंट और जो मार्गरेट जी हैं इन्होंने 182 वोट्स हासिल किए अब जो इनके बीच का मार्जिन रहा 346 वोट्स का ये पिछले छः जो वाइस प्रेसिडेंशियल पोल्स हुए हैं उनमें सबसे हाईएस्ट है बाकी ये आपको जानना चाहिए जो जगदीप धनकर हैं क्योंकि अब ये वाइस प्रेसिडेंट बन रहे हैं इसलिए ये राज्यसभा के भी एक्स ऑफिसियो चेयरमैन अपॉइंट किए जाएंगे जगदीप धनकर ये जाट हैं और उन्नीस में इनका जन्म हुआ राजस्थान से आते हैं ये लॉयर के रूप में इन्होंने अपना कार्यकाल शुरू किया अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि जो हमारे फोर्टीनथ वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया बने हैं ये इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत किस चीज़ से की है इस तरह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखे गए हैं जब कोई हाई प्रोफाइल अपॉइंटमेंट होती है तो पूछा जाता है कि इससे पहले ये किस किस प्रोफेशन से जुड़े थे तो लॉयर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में और राजस्थान हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की है और वेस्ट बंगाल के गवर्नर बनाए गए थे जुलाई 2019 में ममता बनर्जी के साथ काफ़ी अच्छी इनकी दोस्ती रही जब ये गवर्नर रहे हु चेयर्ड द सेवंथ मीटिंग ऑफ द नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल नीति आयोग संचालन परिषद की सातवीं बैठक की अध्यक्षता किसने की ऑप्शन आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की सेवंथ मीटिंग की अध्यक्षता की है और कहाँ पर हुई है कल्चरल सेंटर ऑफ राष्ट्रपति वन न्यू डेली में 2019 के बाद से जुलाई दो के बाद से पहली बार ये मीटिंग जो है फिजिकली हुई है ये जो काउंसिल है इसमें सभी चीफ मिनिस्टर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर्स जो यूनियन टेरेटरीज के हैं और जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है बाकी आप जानते हैं नीति आयोग के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं इंडिजनसली डेवलप्ड लेजर गाइडेड ए टी जी एम वर सक्सेसफुली टेस्ट फायर फ्रॉम मेन बैटल टैंक अर्जुन बाय डी आर डी ओ एंड इंडियन आर्मी वट डज़ ए स्टैंड फॉर इन ए टी जी एम स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड ए का डीआरडीओ और भारतीय सेना द्वारा मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है ए में एक अर्थ क्या है ऑप्शंस आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा एंटी याद रखिएगा डिफेंस में जिस तरह की टर्म आती है ए या फिर और भी एम इस तरह की जो भी टर्म आती है फुल फॉर्म जरूर पूछते हैं देखिए इंडली डेवलप्ड लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से ए और इनको मेन बैटल टैंक अर्जुन से टेस्ट फायर किया गया है किसके द्वारा डीआरडीओ और इंडियन आर्मी के द्वारा कहाँ पर के के रेंजेस में किसके सपोर्ट के साथ आर्मर्ड कोप सेंटर एंड स्कूल अहमदनगर महाराष्ट्र के सपोर्ट से अच्छा साथ ही आपको बता दें इसमें जो है ये हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक जिसे हीट बोलते हैं ये हथियार या फिर वारहेट बीस जो है शामिल रहेगा इसी मिसाइल के साथ ठीक है जिसके तहत ही किसी भी एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर ई आर ए प्रोटेक्टेड आर्मर्ड व्हीकल को जो है तबाह कर सकता है विच कंट्रीज लूनर स्पेस क्राफ्ट इस कोल्ड दानूरी किस देश के चंद्र अंतरिक्ष यान को दानूरी कहा जाता है सही आंसर ऑप्शन डी है साउथ कोरिया जानिएगा देखिए चंद्रमा की जो रेस चल रही है उसको साउथ कोरिया ने भी ज्वाइन कर लिया है क्योंकि इसने अपना फर्स्ट लूनर ऑर्बिटर को लॉन्च किया इसका नाम है द नूरी यानी कि एन्जॉय द मून तो ये जो एलन मस्क एयर स्पेस कंपनी स्पेस एक्स इनका जो फाल्कन नाइन रॉकेट है ये इसको लेकर गया कहाँ से लॉन्च किया गया फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया और ये मून के ऑर्बिट में दिसंबर तक एंटर हो जाएगा अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो साउथ कोरिया जो इंडिया और यूएस के जो स्पेस क्राफ्ट हैं जो ऑलरेडी ऑपरेशनल ऑपरेशनल है मून पर ठीक है इनको ज्वाइन कर लेगा साथ साथ जो चाइनीज रोवर है मून के फार साइड में इसको भी ज्वाइन कर लेगा इंडिया रशिया और जापान अपने नए मून मिशन लॉन्च करने वाले हैं दो हजार में साथ ही आपको जानना चाहिए जून के महीने में साउथ कोरिया ने फर्स्ट डोमेस्टिकली डेवलप्ड स्पेस रॉकेट लॉन्च किया था जिसका नाम रहा नूरी अच्छा स्पेस से ही संबंधित एक और न्यूज़ है ये भी मैंने इसी के साथ क्लब कर दी है हाल ही में यूनाइटेड लॉन्च अलायंस यू देखिए जो ये यू है ये जॉइंट वेंचर है लॉकिड मार्टिन और बोइंग के बीच में तो इन्होंने स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट इसको लॉन्च किया है किसके थ्रू एटलस वी रॉकेट के थ्रू और किसके लिए लॉन्च किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स स्पेस सिस्टम कमांड के लिए नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन एन एस आई सी साइंड एन एम ओ यू विद विच कंपनी टू सेटअप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एम एस एम ई सेक्टर राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम एन एस आई सी ने एम एस एम ई क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए सही आंसर ऑप्शन बी है एल जी इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन एन एस आई सी ने एम ओ यू साइन किया है एल जी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया ई एस एस सी आई के साथ किस लिए टू सेटअप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट एन एस आई सी बाकी एन एस आई सी के बारे में आपको जानना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज द्वारा उन्नीस सौ पचपन में इसको इस्टेब्लिश किया गया था इसके सी एम डी पी उदय कुमार हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रीनरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट एंड विच कंपनी हैव ज्वाइंट हैंड्स टू डेवलप एंट्रप्रेन्योर स्किल्स एंड क्रिएट सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान और किस कंपनी ने उद्यमशीलता कौशल विकसित करने और स्थायी आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए हाथ मिलाया है ऑप्शन आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन सी है हिंदुस्तान यूनिलीवर तो देखिए जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट है इसने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के साथ हाथ मिलाया है एम साइन किया है किस लिए फॉर डेवलपिंग स्किल्स अमंग द यूथ एंड आइडेंटिफाइंग अदर एक्सपेक्ट्स फॉर म्यूचुअल कारपोरेशन तो वही यूथ में स्किल्स वगैरह प्रोवाइड कराने के लिए ये एम साइन किया गया है अगर अच्छा अगर हम बात करें इसकी एन आई ई एस बी यू डी इसके डायरेक्टर डॉक्टर पूनम सिन्हा है बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की तो सी संजीव मेहता है हेडक्वार्ट मुंबई महाराष्ट्र में है NPCI and which IIT एंड विच आई आई टी इंगटर्न एम ओ यू टू को लेबोरेट ऑन द पी सी आई और किस आई आई टी ने स्वदेशी डिजिटल भुगतान समाधान के विकास पर सहयोग करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए सही आंसर ऑप्शन सी है आई आई टी कानपुर जानेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आई आई टी कानपुर और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एन इन्होंने एम साइन किया है किस लिए फॉर शेयरिंग नॉलेज ऑफ इनोवेटिव आइडियाज इनोवेटिव आइडियाज को शेयर करने के लिए एंड टू कोलेबरेट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनियस डिजिटल पेमेंट सोल्यूशंस इंडिजिनियस डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस डेवलप करने के लिए नेम द इंडियन पैरा पावर लिफ्टर हु क्लिंस्ट गोल्ड मेडल इन द मैंस हैवीवेट कैटेगरी उस भारतीय पैरा पावर लिफ्टर का नाम बताइए जिसने पुरुषों के हैवी वेट वर्ग में स्वर्ण पदक जीता ऑप्शन आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन ए है सुधीर जानेगा भारत के पैरा पावर लिफ्टर हैं सुधीर सोनीपत हरियाणा से आते हैं इन्होंने मेंस हैवी वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीत लिया है बात हो रही है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की तो देखिए ये इंडिया का फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल है पैरा पावर लिफ्टिंग में अगर हम कॉमनवेल्थ गेम्स की इतिहास में बात करें तो भारत का ये पहला गोल्ड मेडल है पैरा पावर लिफ्टिंग में तो उन्होंने दो सौ जो है लिफ्ट किया है जो कि अपने आप में कॉमनवेल्थ गेम्स में रिकॉर्ड है प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चन के आंसर देखेंगे फ्योरलैंड नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच कंट्री न्यूजीलैंड ई उत्तम पोर्टल इज डेवलप बाय विच मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट तो ये जो शेड्यूल कास्ट हैं ठीक है तो उनके वेलफेयर के लिए है ये पोर्टल मुस्लिम वुमेंस राइट्स डे इज ऑब्सर्व एवरी ईयर ऑन विच डे फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट CGINV Ramana has recommended the name of Uday Umesh Lalit, Lalit as the new CGI of India. Former Boxing World Champion Johnny Famison died at the age of 77. He was from Australia. The central government withdrew Personal Data Protection Bill 2019 from the Lok Sabha. The Competition Commission of India approved acquisition of 11.43% stake in Tata Power, Renewable Energy Limited by फॉरेस्ट, न्यू एनर्जीज पिट लिमिटेड द सी सी आई अप्रूव्ड एक्विजिशन ऑफ सिटी बैंक एंड सिटी को फाइनेंस इंडिया लिमिटेड अंडरटेकिंग्स बाई एक्सिस बैंक और आप में से कई एक्शन ने बिल्कुल सही आंसर दिया है इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं सुनाइना क्रोविला रिप्रेजेंट इंडिया इन विच स्पोर्ट हु रिप्लेस्ड बेन सिल्वरमन एज द सी ऑफ पिन इंटरेस्ट masai mara national reserve is located in which country? kafimathpona. india's annual per capita income at constant prices in 2021-22 was. india's annual per capita income at current prices in 2021-22 was. the index of economic freedom is an annual index and ranking created by among all the states and union territories. which state continues to have maximum registered electric vehicles? इन जुलाई 2022 ट्वेंटी टू हू वॉज़ अपॉइंटेड एज टेम्प्रेरी चेयरपर्सन ऑफ करूर वैश्य बैंक फॉर थ्री ईयर्स तो इन आठों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा खासकर के फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन आपके बैंक एग्ज़ाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है इनको आप बताइएगा छठा क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है तो कोशिश कीजिएगा कि सारे क्वेश्चन के आप आंसर हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दें साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं दोस्तों दोस्तें पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेट दी गई है इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ फैलो एसफ्रेंड साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें और आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा थैंक यू गाइस